हेलो एवरीवन, इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द मेन कंटेंट एंड द मेन टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. सो लेट्स बिगिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स transformation of diploid sporophytic cells into haploid gametophytic cells by meiosis and subsequent fusion of haploid gametes of opposite sex to form diploid zygote. The zygote then develops into an embryo which ultimately forms a diploid plant body. In flowering plants, all these steps of sexual reproduction occur within a specialized reproductive organ called the flower. The development, arrangement, and distribution of flowers over a plant is called inflorescence. Flower is the site of sexual reproduction. And what is flower, types of flower, and function of flower? We have already studied in my previous lecture. Now, flower is a specialized reproductive shoot of flowering plants consisting of a receptacle on which are inserted the necessary floral or flower parts. The reproductive structures of flower are androecium and gynoecium. The male reproductive structure is androecium. It consists of whorl of stamens. The stamens are modified leaves or microsporophylls concerned with the production of microspores or pollen grains. In majority of angiosperms, each stamen consists of a cylindrical, massive or thread-like filament and a broad terminal bilobed anther. Each lobe of anther has two pollen sacs, that is microsporangia. Pollen sacs are bag-like structure. At maturity, the two pollen sacs of each anther lobe fuse to form single chamber or thecus. Such an anther is called dithecus because it has two thecus. However, in certain families, in Malvaceae, the anthers are monothecous, one lobed having two pollen sacs, which on maturity fuse to form one chamber or thecus is called monothecous. The two lobes of dithecous anther are separated in the anterior side by a deep groove and attached on back side by the connective. There is a single vascular bundle in the connective. In short, or the representation of or by the diagram, हम लोग ये देखेंगे कि स्टैमेन जो है ये क्या होता है, सिलेंडर स्टॉक होता है जिसमें कि फिलामेंट उसको कहते हैं, और फिलामेंट से दो थीका या डाइथिकस एंथर जो है वो जुड़ा हुआ होता है. तो एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टैमेन बनाते हैं. तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि इस फिगर में जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को दो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दो लेयर दिख रहा होगा आपको, जो कि
उसको हम लोग लोब बोलते हैं, ये बाइलोब्ड हुआ, या अगर थीका आप वर्ड यूज करते हैं तो ये डाइथीकस होता है। जनरली एंथर्स आर बाइलोब्ड दैट कंटेन्स टू थीका और डाइथीकस। और ये किसके द्वारा सेपरेटेड होता है, ये एक लंबे ग्रूव के द्वारा ये सेपरेट होता है। और द टीएस ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर साइडेड माइक्रोस्पोरेंजिया टू इन ईच लोब। इसका मतलब क्या है, टीएस का मतलब हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या होता है, जब हम लोग उसको बीच से काटते हैं तो उसमें हम लोगों को दिखता है कि एक स्पोरेंजिया जो है उसमें चार साइड दिखते हैं और एक साइड में दो लोब प्रेजेंट होते हैं और दूसरे साइड में दो लोब, लेकिन दिखता क्या है, हम लोगों को उसमें चार होल दिखते हैं या राउंड शेप दिखता है चार, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पॉलन सैक बनाता है और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट होते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है और यहाँ पर एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है। इसमें हम लोग पॉलन सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए। अ वेरी यंग एंथर कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है, ये ग्रोथ सेल होते हैं जिसमें कि हमेशा सेल डिवीजन होते रहता है। इट देन बिकम्स टू लोब्ड, ईच एंथर लोब डेवलप्स टू पॉलन सैक। इसमें एंथर का जो लोब होता है वो दो पॉलन सैक बनाता है। दस अ बाइलोब्ड एंथर डेवलप्स फोर पॉलन सैक्स सिचुएटेड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ द एंथर। हम लोग ये अभी पहले डायग्राम में भी देख चुके हैं कि बाइलोब्ड एंथर जो होता है उसमें चार पॉलन सैक बनते हैं और वो उसमें चार कॉर्नर होते हैं और वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक बिगिंस विद द डिफरेंशिएशन ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स इन द हाइपोडर्मल रीजन। हाइपोडर्मल रीजन जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है। एट फोर कॉर्नर्स ऑफ द यंग एंथर द आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिविजन टू गिव राइज अ सब एपिडर्मल प्राइमरी पेराइटल लेयर एंड एन इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। द सेल्स ऑफ प्राइमरी पेराइटल लेयर डिवाइड बाय सक्सेसिव पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिविजन टू फॉर्म कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ पॉलन सैक वॉल्स। द वॉल लेयर्स फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स। फर्स्ट लेयर्स और सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस विच बिकम्स स्ट्रेस्ड एंड श्रीवेल ऑफ एट मेच्योरिटी। देन सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम पोजेसेस फाइब्रस थिकनिंग, दे रिमेन थिन वॉल्ड एंड कंस्टिट्यूट स्टोमियम और लाइन ऑफ डेहिसेंस। यहाँ पर लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब होता है कि जब कोई भी फ्रूट, या यहाँ पर अभी हम लोग एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंथर जब मैच्योर हो जाता है और धीरे धीरे वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब उसका पानी सूखने लगता है, तो उसमें लाइन हो जाता है। एक लाइन, इसको लाइन ऑफ रैप्चर भी कहते हैं, जहाँ से वो फटता है और पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। कुछ फ्रूट्स में भी आप लोग ये चीज़ देखते होंगे। जस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि जैसे लेडी फिंगर, भिंडी,
इसको आप लोग सब लोग देखे होंगे, जब ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो ये एक लाइन से ही वो हटता है, वहां पर से रप्चर होता है और उसका बीज बाहर आता है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो सेम चीज आपको एंथर में भी होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन के रिलीज होने का जो टाइम आता है, तो जब ये सारे के सारे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, ये इसके पानी सूख जाते हैं, और उसका जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है या लाइन ऑफ रप्चर जो है, वहां से वो फट जाता है और पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो और उस नेक्स्ट लेयर जो है 1, 2, 3 मिडिल लेयर्स, इसमें मिडिल लेयर्स होते हैं। सेल्स ऑफ दीज लेयर्स जनरली डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर्स एंड लास्ट लेयर और फोर्थ लेयर इज टेपिटम। द टेपिटल सेल्स मे बी यूनि बाई और मल्टी न्यूक्लिएट एंड पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। The cells of primary sporogenous layer divide further and give rise to diploid sporogenous tissue. यहाँ पर टैप्टम एक मेन फंक्शन करता है, उसका एक खास काम होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो डेवलप होते हैं या उनका जो निर्माण होता है, उनको ये न्यूट्रिशन देता है। इसका मेन फंक्शन क्या है टैप्टम का, कि ये इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। लेट्स एंड दिस सेशन हियर। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड द डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start microsporogenesis, that is formation of microspores and types of microspores. Thank you.